इसमें जो भी विजेता खिलाड़ी होता है उसको जो मेडल दिया जाता है वो 22 कैरेट सोने का मेडल होता है। नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट जो है नेशनल लेवल का वो आयोजित कराया जा रहा है। तकरीबन 20 राज्यों से खिलाड़ी आए हैं, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट भी हैं। इसमें एंट्री फीस भी ली जाती है कुछ प्लेयर्स से? एंट्री फीस ली जाती है। अच्छा। क्योंकि इनका जो 3 दिन का रहना सहना होता है वो हमारी तरफ से ही होता है। आर्चर हैं लड़कियां और जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं युवक युवतियाँ, ये यहाँ से आपको निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीनियर। पहले तो मैं घर पे रहती थी, अभी गेम के जरिए मैं इधर उधर आने लगी हूँ। बस अभी एक लक्ष्य है मेरा जो कि ओलंपिक में मेडल आना है। 2 सिलेक्शन में दे चुकी हूँ, 3रा सिलेक्शन अभी होना है मई के अंदर। जो हमारा देहरादून है जी, वो पहले डेरा द्रोण हुआ करता था, काशीपुर में द्रोणा सागर है, ये द्रोणाचार्य की नगरी है। सरकार कितना बढ़ावा दे रही है आर्चरी को, जैसा आपने बताया इसमें भी कोई मदद नहीं मिल रही है। 2016-17 से मैं खेल रही हूँ, पहले मैं वुडन का बोझ चलाती थी, लेकिन जब से मैंने कंपाउंड लिया बार बार जाती हूँ, बार बार हार के आती हूँ, बार बार जाती हूँ, बार बार हार के आती हूँ, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब तक मेरा मेडल नहीं आएगा जब तक मैं उम्मीद अपनी छोड़ूंगी भी नहीं। भारत में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है और अब इनको प्रोत्साहित करने के लिए हरिद्वार में नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट जो है नेशनल लेवल का वो आयोजित कराया जा रहा है। RJK फाउंडेशन द्वारा ये टूर्नामेंट जो है वो आयोजित कराया जा रहा है। आज उनके डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी, इनसे जानेंगे क्या ये पूरा टूर्नामेंट है, कहाँ कहाँ से क्योंकि खिलाड़ी आए हैं। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रतिभा कर चुके हैं वो खिलाड़ी भी यहाँ पहुंचते हैं, इसमें खेलते हैं। आर्चरी का टूर्नामेंट ये चलेगा, जूनियर सब जूनियर और जो सीनियर, ये जो टूर्नामेंट है उनके लिए प्रतिभा यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जो अलग अलग प्रतिभा यहाँ पहुंच रही है उनके लिए आयोजित कराया जा रहा है। तो रमेश जी पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस तरह से पूरा टूर्नामेंट है और RJK फाउंडेशन, RJK की फुल फॉर्म क्या है? RJK का फुल फॉर्म है रामजी की फाउंडेशन। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, पिछले साल भी हमने कराया था जी। और मैं इस फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ कुलदीप चौहान जी है, वो भी इस फाउंडेशन में डायरेक्टर है जी। हमारा मेन मकसद है कि जो हमारा ये खेल है तीरंदाजी का खेल, इसको बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचाना। उत्तराखंड में ये अभी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है, लोग को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जबकि हमारे उत्तराखंड में ये सबसे ज्यादा खेला जाना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा देहरादून है जी, वो पहले डेरा द्रोण हुआ करता था, काशीपुर में द्रोणा सागर है, ये द्रोणाचार्य की नगरी है और हम ही लोग पीछे हैं इस गेम में। तो हमारा एक उद्देश्य है कि ये जो आर्चरी का गेम है उत्तराखंड में हर घर तक पहुंचे, ताकि इसमें से अच्छे प्रतिभाएं हैं, जो हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये निकलकर देश में विदेश में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। अभी इस पर आएंगे, पूरी तरह बात करेंगे। ये टूर्नामेंट कितने दिन का है, कहां कहां से इसमें टीम आई है, यहां प्लेयर्स आए हैं और क्या क्या कैटेगरी है इसकी? यहां पर पूरे भारत से ही प्लेयर आए हुए हैं, तकरीबन 20 राज्यों से खिलाड़ी आए हैं, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट भी हैं। नेशनल गेम्स मेडलिस्ट भी हैं और ये 4 दिन का मैच है, 4 और 5 तारीख को सीनियर और सब जूनियर का मैच खेला जाएगा और 7 और 8 को मिनी जूनियर, जूनियर और किड्स का मैच खेला जाएगा। अच्छा, और फाइनल के लिए किस तरह से सेट होगा, जो टॉप पर आते हैं कैसे रहता है? इसमें पहले स्कोरिंग होती है, इसके बाद जब स्कोरिंग में एक रैंकिंग बन जाती है उसके हिसाब से फिर बच्चों का एलिमिनेशन राउंड होता है। उसमें जो बच्चा फर्स्ट रैंकिंग पे आता है तो उसको सोने का मेडल दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी, मतलब विजेता को सोने का मेडल दिया जाएगा। हाँ, हमारे पास, हम लोगों ने ये पिछले साल भी एक मैच करवाया था, इसमें जो भी विजेता खिलाड़ी होता है उसको जो मेडल दिया जाता है वो 22 कैरेट सोने का मेडल होता है। अच्छा। और जो कितने ग्राम का लगभग, वो डिपेंड करता है कि एंट्रीज कितनी आ रही है, हमारे पास खिलाड़ी कितने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो इसमें एंट्री फीस भी ली जाती है कुछ प्लेयर से? एंट्री फीस ली जाती है। अच्छा। क्योंकि इनका जो 3 दिन का रहना सहना होता है वो हमारी तरफ से ही होता है। अच्छा, आप फाउंडेशन की तरफ अरेंज कराते हो? जी जी जी, और हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं आता है या कोई ऐसा डोनेशन तो आता नहीं है, तो जो खिलाड़ी हमारे को पैसा देते हैं हम उनको उन्हीं के ऊपर खर्च कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने बताया विजेता को गोल्ड का दिया जाएगा, तो सिल्वर का भी कुछ प्रावधान है क्या जो सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए? हाँ, जो सेकंड आएगा वो जो सिल्वर का मेडल होगा वो भी प्योर सिल्वर का होता है। अच्छा। और जो ब्रॉन्ज का मेडल होता है उसके साथ हम कुछ, क्योंकि ब्रॉन्ज का तो ब्रॉन्ज ही है जी जी, उसके साथ हम लोग कुछ कैश प्राइज दे देते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें कहाँ कहाँ से प्लेयर आए हैं? हमारे पास जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तकरीबन पूरे भारत से 20-21 राज्यों से। अच्छा। तो जैसे आप लगातार करवा रहे हैं,
ये प्रतिभाएं जैसे आप टूर्नामेंट कराते हैं यहाँ से आगे जाके भी खेलती हैं विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे इनको मदद मिलती है? जी 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 बिल्कुल। अगर आप इसमें क्या होता है, जो हमारा एक स्टेट की तरफ से जो हमारी भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन कराती है, उसमें किसी भी स्टेट से सिर्फ 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक ओपन टूर्नामेंट है, इससे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। कि कभी कभी क्या हो जाता है, कोई अच्छा खिलाड़ी भी टॉप 4 में नहीं आ पाता है, गेम का नहीं है उसका दिन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जितना भी खिलाड़ी एक स्टेट से आना चाहिए वो आ सकता है। और कुछ विकलांग खिलाड़ी भी सुनाए आए हैं? हाँ, इसमें से 2 पैरा खिलाड़ी भी आए हैं। अच्छा। और हमने उन पैरा खिलाड़ियों से कोई शुल्क भी नहीं लिया है कि चलो अच्छा। वो गेम को प्रमोशन कर रहे हैं, आप उनको वो दूसरों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आदमी कभी भी लाचार नहीं होता, परिस्थिति कोई भी हो, मतलब आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना। तो उत्तराखंड के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल सिर्फ लोग क्रिकेट और ये आईपीएल की तरफ ही ज्यादातर घुस गए हैं, और जिस तरह से रोजाना आईपीएल में सट्टेबाजी की खबरें सामने आती हैं, लोग और खेल इतने अच्छे अच्छे हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, गोल्फ है, यहाँ का आर्चरी है, और भी सारे खेल है, बैडमिंटन है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रेरणा मिलनी चाहिए उनको? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे युवा है उनको कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए, खासकर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए आर्चरी शूटिंग ये बहुत अच्छे गेम है, कॉन्सेंट्रेशन के गेम है, इसको अगर जब बच्चा खेलता है तो वो कॉन्सेंट्रेट होकर खेलता है, उससे उसको आगे पढ़ाई में भी मदद मिलती है, और गेम कोई भी हो, नहीं तो आज आपने देखा होगा कि बच्चा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अगर बच्चा किसी न किसी गेम में रहेगा तो कम से कम उस नशे से दूर रहेगा, हमेशा फिजिकल फिट रहेगा, ठीक है, बीमारियाँ नहीं लगेगी, पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन जब स्वस्थ रहेगा शरीर तभी तो पढ़ाई भी कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा, सरकार कितना बढ़ावा दे रही है आर्चरी को, जैसा आपने बताया इसमें भी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, अच्छी पॉलिसियां हैं, अभी हमारे उत्तराखंड से एक लड़का, वो मेरा स्टूडेंट रहा है पहले, अभी उसको अच्छा, सिखाते भी हैं? जी 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 जी, तो पहले हमने उसको सिखाया था, इसके बाद वो पुलिस टीम के कोच है एक प्रतिमा धामी मैडम, उनके पास सीखा, वो नेशनल गेम्स में मेडल लेके आया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको डायरेक्ट पुलिस में ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र दिया है, और वो लड़का भी ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ पर पैरा आर्चर्स भी हैं जिनकी बात हमें रमेश जी ने बताई, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि खेल जो है वो सभी के लिए होता है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कहते हैं कि अब हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। तो बात करेंगे, मैम क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो लगातार आप आर्चरी में खेल रहे हैं? जी। कितने सालों से? 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल हो गए, तो कितना खेल आपके प्रेरणा रहता है जिंदगी में? बहुत प्रेरणा लगता है, पहले तो मैं घर पे रहती थी, अभी गेम के जरिए मैं इधर उधर आने लगी हूँ, बस अब एक लक्ष्य है मेरा जो कि ओलंपिक में मेडल आना है, 2 सिलेक्शन में दे चुकी हूँ, 3रा सिलेक्शन अभी होना है मई के अंदर। अच्छा, ओलंपिक के लिए आप ट्राई कर रहे हैं? हाँ, 2 सिलेक्शन हो गए मेरे, जिसमें मैंने सिलेक्शन ले लिया, 4th रैंक आई है मेरी। अच्छा, अब 3rd सिलेक्शन होगा मई में। मई में। अच्छा, तो कोई आइडल है आपका जिंदगी में, कोई आपको प्रेरित करता हो? अभी तक तो शीतली चल रही है पैरों में। अच्छा, तो कितना लगता है, कैसा लगता है जब आप ऐसे कॉम्पिटिशन में पहुंचते हैं और इसमें भाग लेते हैं? अच्छा लगता है, और आज तो अलग से फील करा है, मैंने पहली बार खेला है एबल लोगों के साथ में। अच्छा। हाँ, मैंने दिल्ली में खेला था, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली स्टेट, वो भी 2019 में, उसके बाद मैंने अब खेला है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? पूजा। तो आप भी दिल्ली से ही है? हाँ सर, तो मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो यहाँ आए हैं इनके साथ में, कैसा लग रहा है आके पहले? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम एवल लोगों के साथ हमने खेला ही नहीं आज तक, हमने पैरा में ही खेला है। पैरा में ही खेला है? पैरा में ही खेला है। तो कैसा रहता है दिल्ली में, और भी लोग खेलते हैं? दिल्ली में बहुत सारे लोग। गवर्नमेंट मदद करती है वहाँ? सर नहीं, अभी तक तो कोई करी नहीं मदद को। अच्छा, किसी ने मदद नहीं करी अभी तक, खुद से ही? हम खुद से ही करते हैं। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और जो लोग आपको देख रहे हैं जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलों में, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, खेल से ही आगे कि हमें क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जीवन में मोटिवेट तो करता ही होगा। हाँ, खेल तो सबके लिए प्रेरणा ही है, खेल से आगे बढ़ना ही है, और खेल से क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे, खेल कितना जरूरी है जीवन में? इम्पोर्टेंट तो बहुत रखता है जी, पर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जी। मैं यही कह रही हूँ कि एक हार जीत तो जीवन में चलती आ रही है, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। 2016-17 से मैं खेल रही हूँ, पहले मैं वुडन का बो चलाती थी, लेकिन जब से मैंने कंपाउंड लिया बार बार जाती हूँ, बार बार हार के आती हूँ, बार बार जाती हूँ, बार बार हार के आती हूँ, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, जब तक मेरा मेडल नहीं आएगा जब तक मैं उम्मीद अपनी छोड़ूंगी भी नहीं। और ऐसे मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगी जो पैरा आर्चर्स हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, गेम्स खेलो और आगे बढ़ो। आर्चरी में आप 2 तरीके से भाग ले सकते हैं, एक होता है रिकर्व एंड कंपाउंड और दूसरा होता है इंडियन।
यहाँ पर ये आपको आज पूरी तरीके से बताएंगे किस तरीके से एरो होता है। और ये आप लकड़ी का जो है पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं इंडियन एंड कंपाउंड। इसकी रेंज के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर कोच इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कितने मीटर तक जो है इससे आप तीर को जो है वो दाग सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? रंजन शील। कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता का। कलकत्ता का, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे जो ये है इंडियन राउंड। जी जी, ये ट्रेडिशनल होता है जी, ये पूरा इंडियन मेड होता है, और ये 30 और 50 मीटर चल होता है, और जो रिकाब होता है ये फॉरेन मेड मटेरियल होता है, इसके 70 होता है और कंपाउंड 50 होता है, वो भी फॉरेन मेड होता है। अच्छा, तो इसकी रेंज कितने जा सकता है लगभग? ये 70 मीटर जा सकते हैं रिकाब का, और 50 मीटर जाता है कंपाउंड का, और 30 और 50 जाता है इंडियन राउंड का। राउंड साइटर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आर्चर हैं, आर्चर जिनको बोला जाता है, जो यहाँ से अब निशाना लगाएंगे, और सामने आप 30 मीटर पर वो टारगेट आप देख रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 10 अंक मिलते हैं, ये पोजीशन सेट हो गई है। और अब जो है ये देख सकते हैं तीर यहाँ से एक एक करके निकलना शुरू हो गए हैं, काफ़ी स्पीड होती है। और सामने आप देख रहे होंगे कि जो ये कैमरे में आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे यहाँ पर जो ये पूरे आर्चर हैं, लड़कियाँ और जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं, युवक युवतियाँ, ये यहाँ से आपको निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर थे इधर, और इधर आपको सब जूनियर दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो निशाना यहाँ पर खड़े होकर लगा रहे हैं सामने टारगेट पर। तो आज हमने आपको दिखाया किस तरह से जो आर्चरी का ये कॉम्पिटिशन है वो, पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो इनके कोच यहाँ पर बैठकर इनको बीच बीच में सलाह देते रहते हैं, और दूरबीन से इसको फिर टारगेट को देखा जाता है, या बीच बीच में भी देखते रहते हैं कि टारगेट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि अब निशाना लगाने के बाद सभी आर्चर जो उनके साथ रेफरी होते हैं, जो पॉइंट्स लिखते हैं, वो देख सकते हैं साथ में गए हैं, और एक एक करके ये जो 1 से लेकर 10 तक जो पॉइंट हैं वो इनको मिलते हैं, और ऐसे करके 12 जो इनके राउंड होंगे उसमें सबसे टॉप में जो आएगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से आज हम ये गुरुकुल कांगड़ी का जो पूरा प्रांगण है यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत हुई है, और 8 तारीख तक जैसा उन्होंने बताया कि ये चलेगा, और जीतने वाले को गोल्ड का मेडल दिया जाएगा, सेकेंड आएगा उसको सिल्वर दिया जाएगा, और तमाम यहाँ पर जो 20 राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और पिछले साल भी हुआ था भल्ला कॉलेज में, हमने भी कवर किया था, और लगातार ये हर साल होता रहता है, हर साल कराते हैं। जी जी, कब तक जारी रहेगा, कब तक कराएंगे? ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब तक हम लोग हैं हम तो करते ही रहेंगे। जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बात है, और स्पोर्ट्स लवर जो है उनके लिए भी, जिनको आर्चरी जो है सीखनी है, जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी कहेंगे इसको, हरिद्वार में इतने बड़े स्तर का टूर्नामेंट जो है वो कराया जा रहा है। कमेटी को भी हम अपनी तरफ से धन्यवाद देंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।